बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो है दलिया। किचन चैनल में हम आपको वेलकम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा ताकि हमें पता लगे कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है और हम आपके साथ और अच्छी से अच्छी नई सी नई रेसिपी शेयर कर सकें। अब हम बना रहे हैं दलीम। दलीम के लिए हमने दालें ली हैं जो कि 2 घंटा पहले मैंने भगो दी थी। आप 1 घंटा पहले भी भगो कर रखे होंगे। उसके बाद मैंने पानी डालकर इसमें बॉयल कर दिया था। पानी मैंने चने की दाल में 2 गिलास पानी डालकर इसको बॉयल किया है और दाल जो है मैंने चने की दाल जो है 200 ग्राम ली है। ये देखिए मैंने इसको बॉयल कर लिया और मैं इसको एक जगह एक बाउल में इकट्ठा कर रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि मैंने क्या क्या चीज़ें। ये मैंने चावल हैं जो कि मैंने 120 ग्राम लिए थे, इनको भी मैंने पहले भगो दिया था और फिर उसके बाद मैंने इसे बॉयल कर लिया। अब इसके बाद मेरे पास है ये देखिए गंदम, इसको भी मैंने पहले भगोया था और फिर उसके बाद बॉयल करके इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने इसको भी इसी बाउल में डाल दिया। अब मेरे पास ये माश की दाल है जो मेरे पास 70 ग्राम थी, तो मैंने इसको भी ऐसे ही किया पानी में बॉयल करके, एक एक गिलास पानी में मैंने इसको बॉयल किया। सारी चीज़ें मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि आपको सही तरह से पता लग जाए। फिर मैं आपको बताऊँगी कि आप चाहें तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी ही भुगो सकते हैं। अब ये मैं डाल रही हूँ, देखिए मूंग की दाल और मसूर की दाल है, इसको भी मैंने ऐसे ही बॉईल करके रखा हुआ था। ये 100 ग्राम मूंग की दाल है और 70 ग्राम मसूर की दाल है, दोनों को मैंने इकट्ठा भुगो दिया था और इकट्ठा ही बॉयल कर। मसाला तैयार करने लगे, इसमें मैंने 1 कप जो है ऑयल लिया है और 1 ऑनियन लिया है। बड़े साइज का मैंने प्याज ले लिया था, उसको मैंने काट लिया, काट के मैं इसको ब्राउन कर रही हूँ। इसको मैंने लाइट ब्राउन करना है। इसका हमने मसाला दरअसल भूनना है और ये मसाला आप किसी भी तरीके से भून सकते हैं, जिस तरह आप खुद बनाना चाहें उस तरह भी भून सकते हैं और इस तरह चाहें जिस तरह मैं बना रही हूँ उस तरह भी आप भून सकते हैं। इसको मैं लाइट ब्राउन प्याज को कर लिया। ये देखें जी, प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैंने एक इसमें तेज पत्ता डाल दिया है और मेरे पास ये सफ़ेद जीरा है, इसमें मैंने सफ़ेद जीरा डाल दिया है 1 टेबल स्पून। और ये मेरे पास एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा था, 3 से 4 अदद लौंग थी और 1 बड़ी इलायची थी, इसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया ताकि इसमें से अच्छी तरीके से भूनने से खुशबू आए। और उसके बाद मैंने जिंजर और गार्लिक पेस्ट जो है वो बनाया हुआ था, वो भी मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे पास ये है पानी, थोड़ा सा पानी मैंने डाला है इसमें यखनी वाला। मैंने चिकन को बॉयल करके रखा हुआ था, उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और उसकी थोड़ी सी यखनी भी थी, वो भी मैंने इसी में शामिल कर ली। तो ये मेरे पास है जी टमाटर का पेस्ट, 1 टमाटर जो है वो मेरे पास था, मैंने उसको पेस्ट बना लिया है। और 1 टीस्पून 1 टेबल स्पून जो है दही मैंने डालकर इसको ग्राइंड किया है। ये देखिए, ये मैं कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और ये जी हल्दी पाउडर है, ये भी 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास रेड मिर्चे हैं, सुर्ख मिर्च, ये भी मेरे पास 2 टेबल स्पून है। ये काली मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये क्रश चिली है, ये भी 1 टेबल स्पून। ये थोड़ा सा मेरे पास ज़रा खुशबू के लिए मैंने डाला है कोरमा मसाला जो है, कोरमा मसाले का पाउडर होता है जो, 1 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला है मैंने। ये देखें, ये मैंने चिकन जो था वो भी बॉईल किया हुआ, 300 ग्राम था,
और यखनी समेत मैंने इसमें घी डाल दिया है। थोड़ा सा इसको भूनूंगी, इसकी ज़्यादा भुनाई तो नहीं करनी हमने। थोड़ी भुनाई करने के बाद हम इसमें ये जो दालें हैं सारी ये डाल देंगे। देखिए गंदू दालें जो मैंने बाउल में सब कुछ डाला था ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें डालने के बाद मैं इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन दो बाउल या दो जग कह सकते हैं आप पानी ही डालूंगी और इसको एक घंटे के लिए मैं पकना रख दूंगी। उसके बाद मैं इसको चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ग्राइंडर में भी निकाल के आप इसको ठंडा करके मैश कर सकते हैं। तो मैं इसको इतना गल जाएगा कि मैं इसको चम्मच के साथ अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। ये देखिए ये मैंने इसमें सारा कुछ डाल के मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने दो बाउल पहले मैंने एक बाउल पानी का डाला है, इसके बाद एक बाउल और पानी का डाला है। एक घंटे इसको मैंने हल्के चूल्हे पे पकने देना है। और इसके लिए देखिए ना अभी ज़रा गला हुआ सब कुछ है लेकिन अभी ज़रा साबुत है, जब आहिस्ता आहिस्ता हल्के चूल्हे पे गलेगा तो और ज़्यादा सॉफ्ट होता जाएगा। और इसको आप चम्मच के साथ भी मैश कर सकते हैं और चाहें तो ग्राइंड भी कर सकते हैं। और एक घंटा पकने के बाद इंशाल्लाह हलीम जो है रेडी हो जाएगा। माशाल्लाह हलीम जो है रेडी हो चुका है, इसको अब मैं बाउल में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मैश भी हो गया और बहुत अच्छा तैयार हो गया। मैंने बाउल के साइड में टमाटर मैंने बाउल के साइड में लेमन जो है कट करके साइड पे लगा दिए हैं, अगर मैं इसमें डालूंगी तो वो इसमें डिप हो जाएंगे। तो मैंने कहा अब जिसने भी इसको इस्तेमाल करना हो तो यहाँ साइड से लेके आप इसका लेमन जो है डालकर खा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया, इसके साथ मैंने ये तड़का लगाया है। इसमें ये देखिए प्याज का, प्याज को मैंने थोड़ा ब्राउन करके इसमें डाला है। देखिए तड़का माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें मैं हरा धनिया हरी मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी। देखिए हरी मिर्ची डाल दी, हरा धनिया डाल दिया मैंने और ये अदरक जो है ये लंबे लंबे पीसेस में काट दिया था बारीक बारीक, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके साथ ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो भी गार्निश कर रही हूँ ऊपर से। माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हमारा तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा और मैं चाहूँगी कि आप इसमें बनाएं। इसको सिर्फ पकने के लिए टाइम लगता है, वैसे ही मेहनत नहीं लगती। माशाल्लाह इतना अच्छा हलीम तैयार हो गया, आप सारी दालों को इकट्ठा करके बोलकर रेडी कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, नई रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।